देखो बच्चों, अभी तक जो हमने पढ़ा मोशन में, उसमें हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी किया, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट का। वैसे तो हम कार का मोशन स्टडी कर रहे थे या साइकिल का, स्कूटर का, इस तरह के बड़े बड़े जो व्हीकल्स हैं उनका मोशन हम स्टडी कर रहे हैं, इंसेक्ट्स का मोशन स्टडी कर रहे हैं। बट ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमने उसको एक छोटे से पॉइंट से रिप्लेस कर दिया था, एंड वी वर स्टडिंग द मोशन ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी करने में क्या होता है कि हम इस तरह से मानते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, उसका मास एम है और उस पर कुछ फोर्स लग रही है एफ। तो उस फोर्स के कारण इसका कुछ एक्सेलरेशन आ जाता है, फिर एक्सेलरेशन को यूज करके वी कैन फाइंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वी कैन फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एट एनी टाइम टी। तो वो सारे मोशन पैरामीटर्स हम सॉल्व करते थे। सच काइंड ऑफ मोशन कैन बी ए स्ट्रेट लाइन मोशन। इसमें स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा हमने सबसे पहले, फिर हमने पढ़ा इसमें मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन के बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा सर्कुलर मोशन, है ना। तो ये सब चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, लेकिन ये सारे जितने भी काइंड्स ऑफ मोशन पढ़े हैं हमने, उसमें हमने एक बॉडी को एज ए पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कंसिडर किया था। अब हम उस बॉडी को पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। मान लो हमारे पास कोई एक बॉडी है लाइक दिस, ठीक है, ये कोई आर्बिट्री सी शेप है, एक पत्थर का टुकड़ा है, ठीक है। अब इस बॉडी के ऊपर अगर मैं किसी पॉइंट पे फोर्स लगाता हूँ, समझने के लिए मान लो मैंने यहाँ पे फोर्स लगाई, ये टेबल पे पड़ा हुआ है, ठीक है, आपने यहाँ पे फोर्स लगाई, तो उस फोर्स के कारण हो सकता है कि ये जो पत्थर का टुकड़ा है वो इस तरह से घूमे अबाउट दिस पॉइंट, रोटेशनल इसकी स्टार्ट हो जाए, है ना, क्योंकि आप फोर्स एक एज पे लगा रहे हो, आप तो एक मिड पॉइंट पे नहीं लगा रहे। ऐसे बुक की एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ये हमारे पास एक बुक है विच इज लाइंग ऑन द टेबल लाइक दिस, ठीक है। अब अगर कोई बंदा इसको मोशन में लेके आना चाहता है तो क्या करेगा, वो फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, सीधी सी बात है, यहां से ऐसे साइड से पकड़ा, उसको उठाने की कोशिश करी। तो जब हम इसको उठाने की कोशिश करते हैं तो एक साइड से क्या हो गया, बॉडी का वेट जो है, वेट के कारण इस तरफ से बॉडी नीचे रह जाएगी और इस तरफ से ऐसे ऊपर उठ जाएगी और यहाँ पर ये बुक जो है इस किसी पॉइंट के अबाउट ऐसे घूमना शुरू कर देगी, मतलब उसका रोटेशनल मोशन होगा, रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो इस तरह की जो बॉडीज हैं उनमें अगर हम फोर्स किसी भी पॉइंट पर लगा दें तो उस पॉइंट पे फोर्स लगाने से बॉडी का रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस हो सकता है। बट एक ऐसा पॉइंट होता है बॉडी के अंदर जहां पर हम फोर्स लगाएं, जैसे मान लो सेंटर में मिड पॉइंट, अगर आपको जनरल ऑब्जर्वेशन है ये कि अगर मिड पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे इस बुक के यहाँ पे ऐसे, तो फिर ये बॉडी जो है ऐसे सीधी ऊपर स्ट्रेट लाइन पाथ में जाएगी, ऐसे ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगी, ये वाला पोर्शन भी ऊपर जाएगा, इधर से भी ऊपर जाएगा, इधर से भी ऊपर जाएगा, इधर से भी ऊपर जाएगा, क्योंकि आपने फोर्स मिड पॉइंट पे लगाई है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता है जहां पे हम फोर्स लगाते हैं और बॉडी जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस करे, स्ट्रेट लाइन मोशन प्रोड्यूस करे, सच पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। और ये वही पॉइंट होता है जो हम इन सारे चैप्टर्स में हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहे थे ना, कार को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहे थे हम, तो वो पॉइंट हम कहाँ पे कंसिडर करते हैं, वो हम इस तरह की लोकेशन पे कंसिडर करते हैं कि वो बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में जाए, ठीक है। तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। मतलब जितनी भी बॉडीज हमारे अराउंड हैं, फॉर एग्जाम्पल एक सफियर है, एक बॉल है, एक बॉल है, और एक बुक है जिसे ये आपके सामने बना हुआ है, एनीथिंग, ये एक जग है, ठीक है, ये जितनी भी बॉडीज है हमारे अराउंड, सॉलिड बॉडीज, इन सब का एक सेंटर ऑफ मास होता है। और वो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है कि अगर हम वहां पे फोर्स लगाएं उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो बॉडी सीधा स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगी। लेकिन अगर आप कहीं और फोर्स लगा दोगे, मान लो आपने यहाँ फोर्स लगा दी, जग ऐसे पड़ा हुआ, आप करके देख सकते हो, छोटा सा एक्सपेरिमेंट, टेबल पे जग पड़ा हुआ, आपने बिल्कुल एज पे यहाँ फोर्स लगा दी, तो ये जग नीचे गिर जाएगा लाइक दिस। इसको बोलते हैं जग की टॉपलिंग होगी, वो नीचे गिर गया, ठीक है। तो नाउ द थिंग इज कि हमें हमें यहाँ पर सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है कि हमें वेरियस बॉडी के जो सिमेट्रिकल बॉडीज हैं उनके सेंटर ऑफ मास को फाइंड करना है कि वो पॉइंट की लोकेशन कहाँ पे होती है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब होगा कि एक रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी एक वर्ड लिखूंगा मैं अभी यहाँ पे, मैं डेफिनेशन भी लिखता हूँ। रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी जो है वो बहुत सारे पार्टिकल्स की मिलके बनी होती है। लाइक ये मैंने जैसे एक पीस ले लिया, ए पीस ऑफ स्टोन, दिस इज ए रिजिड बॉडी। अब इसमें क्या होता है कि ये सॉलिड होती है, चारों तरफ से सॉलिड होती है, हर जगह से। मतलब अगर कोई दो पॉइंट्स ले लो आप बॉडी के अंदर, मान लो एक छोटा सा पार्टिकल है उसका कुछ मास है एम वन, और एक और छोटा सा पार्टिकल है उसका मास है एम टू, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इसके अंदर जिसकी ये बॉडी बनी हुई है, ठीक है बच्चों।
तो कोई भी दो पॉइंट्स अगर आप ले लो रिजिड बॉडी के केस में, उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस दैट रिमेन्स फिक्स्ड, वो फिक्स रहता है, तो इस तरह की बॉडी को रिजिड बॉडी बोलते हैं। दिस इज अ टेक्निकल डेफिनेशन। वैसे सिंपली अगर आपको बोला जाए गिव सम एग्जांपल्स ऑफ रिजिड बॉडीज, तो जितने भी सॉलिड्स आपके अराउंड पड़े हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के, ठीक है, चाहे आपके अराउंड माउस पड़ा हुआ है, आपका मोबाइल फोन है, सामने बुक पड़ी हुई है, पेन पड़ा हुआ है, कोई बॉल पड़ी हुई है, जग पड़ा है, ग्लास पड़ा है, एवरीथिंग, ऑल दीज बॉडीज आर रिजिड बॉडीज। तो रिजिड बॉडी को हम यहां पर उसका मोशन स्टडी करने वाले हैं बेसिकली। तो रिजिड बॉडी का मोशन दो तरह का हो सकता है, नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। बेसिकली हम मोशन ही कर रहे हैं, अभी मैकेनिक्स ही कर रहे हैं। तो अगर आपके पास एक रिजिड बॉडी है, डिफाइन अभी मैं करूंगा, पहले क्रक्स समझ लो। तो उस रिजिड बॉडी का मोशन दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है ट्रांसलेशनल मोशन, और दूसरा हो सकता है रोटेशनल मोशन। दो तरह का मोशन हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दी। अब ये जो ट्रांसलेशनल मोशन है, इसको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। जैसे कि एक कार थी ना, जो हमने कई बार बोला कि ए कार हैविंग सम एक्सलरेशन मूविंग इन दिस डायरेक्शन फाइंड इट्स वेलोसिटी फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो हम ट्रांसलेशनल मोशन तो ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इवन ये जो प्रोजेक्टाइल का मोशन है, दिस इज ऑल्सो मोशन अलॉन्ग ए डेफिनेट पाथ, है ना, मोशन इन ए प्लेन है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। अब इन दोनों ही केसेस में ये वाला मोशन प्रोड्यूस हो चुका है। वो इसीलिए प्रोड्यूस होता है क्योंकि हम क्या करते हैं, हम वो जो फोर्स बोलते हैं ना, ये फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, या आपने ब्लॉक भी रखा हुआ था न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, हम वहां पे फोर्स लगा रहे थे हर बार। तो वो जो फोर्स होती है बच्चे, वो कहाँ लगती है, उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे। अगर ऐसा होगा, अगर आप बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाओगे, तो दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन, जो ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। कहाँ स्टडी किया, काइनेमेटिक्स में स्टडी किया, उसमें एक्सेलरेशन गिवन होता था। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में स्टडी किया, उसमें हमें पहले नेट फोर्स निकालनी पड़ती थी, फिर एक्सेलरेशन निकालते थे, फिर वहां से हम बाकी चीजें फाइंड करते हैं। ऐसे ही वर्क एनर्जी पावर में भी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को लगा के भी मोशन को स्टडी किया, जिसमें हम किसी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की स्पीड, या किसी इस तरह का बाउल है, यहाँ से एक बॉल गई, उसकी स्पीड यहाँ कितनी होगी, उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ये सब चीजें हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो वो ये वाला पार्ट हमारा ऑलरेडी हो चुका हुआ है। अभी हमने इस चैप्टर में रिजिड बॉडी का रोटेशनल मोशन स्टडी करना है। तो रोटेशनल मोशन भी अगर आपने स्टडी करना है ना, उसके लिए भी हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास, COM, ठीक है। तो अभी हम पहले ये दो चीजें डिफाइन करेंगे, एक हम सेंटर ऑफ मास डिफाइन करेंगे, दूसरा हम रिजिड बॉडी को डिफाइन करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना, हम जब भी फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो हम उसमें क्या करते हैं, सिंपलेस्ट केस लेके चलते हैं। तो जब हमने सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट समझना है, तो हम कोई दो पॉइंट पार्टिकल्स लेंगे, कोई दो छोटे पॉइंट पार्टिकल्स लेंगे, एक लेंगे M1, दूसरा लेंगे M2, ठीक है, छोटे पॉइंट पार्टिकल्स हैं। अब ये भी फिक्स्ड है, मान लो इनमें जो स्पेसिंग है दैट इज फिक्स्ड। तो अगर ये फिक्स्ड है ना, तो इनके इन बिटवीन कहीं पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, तो हमें उस सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। लेकिन उससे पहले हम सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करेंगे। तो लेट अस डिफाइन सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। चलो ये सबसे पहला काम है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इस तरह का हो सकता है, मतलब पार्टिकल्स आर डिस्क्रीटली प्लेस्ड, इसको बोलेंगे डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इसमें पार्टिकल्स दूर दूर पड़े, एक यहां पड़ा है, एक यहां पड़ा है, एक यहां पड़ा है, मतलब ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स एल, इट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू साइज ऑफ पार्टिकल। L इज लार्ज एज कंपेयर टू साइज ऑफ पार्टिकल। अगर ऐसा होगा तो वी से कि पार्टिकल्स आर डिस्क्रीटली प्लेस्ड, तो सच सिस्टम इज कॉल्ड डिस्क्रीट सिस्टम। एक और सिस्टम हम बोल सकते हैं, मान लो तीनों बॉडीज को मैंने ऐसे इकट्ठा रख दिया। अब ये एक आप ऐसे बोल सकते हो कि ये एक कॉन्टिन्यूस बॉडी बन गई, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। और मान लो ये पार्टिकल्स आपस में चिपके पड़े हैं, मतलब कुछ डेफिनेट रेडियस है इनकी, बॉल्स मान लो छोटी छोटी बॉल्स हैं और आपस में चिपकी पड़ी हैं, तो सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज ऑल्सो कॉल्ड रिजिड बॉडी। अगर ये फिक्स है, बिल्कुल आपस में जुड़े पड़े हैं, तो आप इसको रिजिड बॉडी भी बोल सकते हो। रिजिड बॉडी बाकी भी सब हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी बॉडी अराउंड यू लाइक दिस डिस्क, ये कोई डिस्क है,
या हमारे पास कोई रिंग है, दिस इज ए रिंग, ये सब रिजिड बॉडीज हैं। तो ये सब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में हम इन सारी चीजों को एज ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल डिस्क्राइब करते हैं। सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड ए बॉडी, और यू कैन से सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वेयर होल मास ऑफ द बॉडी कैन बी सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सारा मास उसी पॉइंट पे होता है, मास तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट हम ऐसा मान सकते हैं कि उस बॉडी का सारा मास उस पॉइंट पे लोकेटेड है। द बॉडी अंडरगोस ए ट्रांसलेशनल मोशन व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स या एनी फोर्स इज अप्लाइड एट दिस पॉइंट। सो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर, सेंटर ऑफ मास। तो बेसिकली इट इज ए लोकेशन, इट इज ए पॉइंट, पॉइंट की लोकेशन जो है वो सेंटर ऑफ मास होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लेमिना है, मेटल का बना हुआ एक लेमिना है रेक्टेंगुलर शेप का। अब अगर हम यहां पर एक पॉइंट लोकेट कर लें जो कि सेंटर ऑफ मास है, हमें पहले से पता है कि ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। कैसे पता है? क्योंकि ये बॉडी जो है ना, ये बॉडी एक सिमेट्रिक बॉडी है। सिमेट्रिक मतलब चारों तरफ एक जैसी है ये बॉडी ना, और दूसरा इसमें जो मास है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये एक दो कंडीशंस मैं बता रहा हूं, आगे जाके और समझ आएंगी। मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि कहीं से हल्की भारी नहीं है ये, हर जगह इसका जो मास है वो एक ही तरह का है, इसकी मोटाई भी सेम है और मेटल भी एक ही है इसमें जो हमने यूज करी हुई है। तो इसके जो बॉडी, इसके जो डायगनल्स होंगे ना, जिस पॉइंट पर इसके डायगनल्स इंटरसेक्ट करेंगे, दैट पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास, बेसिकली इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर। अगर ये दो कंडीशन होंगी ना, सिमेट्रिकल होगी बॉडी और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा लाइक दिस, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो फिर वो जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है बॉडी का, वही उसका सेंटर ऑफ मास होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक और बात बता दूं, ये डिस्क है मान लो, तो इस डिस्क का भी जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, मतलब ये सेंटर, वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। वो हम फाइंड भी करेंगे आगे जाके, ये सारी कैलकुलेशंस करेंगे, बट अभी के लिए मैं समझा रहा हूं। अगर आप इस पॉइंट पे फोर्स लगाओगे ना बच्चों, ये जो हमने बनाया, यहाँ पे आपने कोई फोर्स लगाई, कैसे लगाओगे यहाँ पे आप फोर्स? मान लो यहाँ आपने एक धागा, यहाँ पे एक छोटा सा सुराख किया, उसमें धागा बांधा उस नीचे से, और ऐसे आप उस धागे को उठा रहे हो। अगर वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास है तो ये सारी की सारी बॉडी इसके साथ बिल्कुल ट्रांसलेशनल मोशन, ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाएगी, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। अब अगर आप ये पूरी बॉडी बना दो या उसकी जगह आप एक पॉइंट बना दो, तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, वही पॉइंट जो होता है दैट इज सेंटर ऑफ मास। अब हमें इसको फाइंड कैसे करना है? देखो, सेंटर ऑफ मास को हम विद रिस्पेक्ट टू बॉडी फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे बता दिया कि ये एक बॉडी है, उसका ये जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो सेंटर ऑफ मास है। ऐसे ही हम इसको विद रिस्पेक्ट टू किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के भी फाइंड कर सकते हैं। मान लो यहाँ ओरिजिन बना दिया, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, तो हम इस ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू भी ये लोकेशन बता सकते हैं। तो वी हैव टू फाइंड द पोजिशन वैक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वेरियस केसेस। तो पोजिशन वैक्टर बेसिकली हमें फाइंड करना होता है, पोजिशन वैक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग अलग बॉडीज का और अलग अलग केसेस में, ये हमें सीखना है कि इसको कैसे करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हम करने वाले हैं एक्सप्रेशन, इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम।
तो ये सबसे सिंपलेस्ट वाला केस हम सबसे पहले लेके चलते हैं। जब भी हम कुछ फिजिक्स में कोई नई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं या समझते हैं तो उसको समझने के लिए हम सिंपलेस्ट केस लेते हैं। तो सिंपलेस्ट केस तो यही हो सकता है कि दो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि एक पार्टिकल अगर है छोटा सा पॉइंट मास, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? वो तो उसी जगह पर ही है जहाँ पर वो पार्टिकल है, क्योंकि ये तो रिजिड बॉडी है ही नहीं, इट इज जस्ट ए स्मॉल पार्टिकल। तो इसका अगर मास एम है तो वहीं पर उसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। बट अगर हम दो पार्टिकल्स ले लें तो उनका सेंटर ऑफ मास कहीं और पे लाई करेगा, ठीक है। तो लेट अस सपोज वी हैव टू स्मॉल पार्टिकल्स, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, ठीक है। और इनकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए, तभी तो हम सेंटर ऑफ मास बताएंगे ना। तो लोकेशन अगर बतानी है तो पहले हम एक्सिस बनाएंगे। ये मान लो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इस तरफ हमारे पास z एक्सिस है। ये ओरिजिन हो गया बच्चों। अब ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू हमें इस बॉल की पोजिशन बतानी है, वो हमें पहले से पता होनी चाहिए। तो मान लो इसकी लोकेशन हमें पता है, इट इज एट r1 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर हम ऑलरेडी ड्रॉ करना जानते हैं, ये r2 वेक्टर है। तो r1 r2 अगर आप लिखना चाहते हो, मान लो आपको कोऑर्डिनेट्स पता है इनके x y z, तो यू कैन राइट x y cap प्लस y j cap प्लस z k cap, है ना, पोजीशन वेक्टर तो आप लिख सकते हो। तो ये लोकेशन हमें ऑलरेडी पता है। अब इनका सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड करना है। तो लेट अस फाइंड देयर इज सम पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं हम, उसका नाम C दे देते हैं, एंड दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास। तो हमें एक्चुअली इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, इसको हम बोल देंगे R वेक्टर CM, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये हमें फाइंड करना है, इसका एक्सप्रेशन निकालना है हमें इन टर्म्स ऑफ m1 m2 एंड r1 r2। मतलब अगर आपको दो मासेस दे दिए जाए कि भाई एक 2 किलोग्राम का मास है, एक 5 किलोग्राम का मास है, एक मास जो है वो यहाँ पड़ा है, दूसरा यहाँ पड़ा है, दोनों में डिस्टेंस अगर बोल दिया जाए 3 मीटर का है, तो आपने बताना है कि यहाँ पे इसके अराउंड कहीं पर भी इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो आप इसका पोजीशन वेक्टर आप पुट कर दोगे, इसका पोजीशन वेक्टर पुट कर दोगे, दोनों के मासेज आप फॉर्मूले में पुट कर दो, और आपके पास ये लोकेशन आ गया। ये हम चाहते हैं, ये हमारा टास्क है। तो कैसे फाइंड करेंगे इसको? फाइंड करने के लिए एक्सप्रेशन को हम सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन को यूज करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। Consider a system of two particles having masses m1, m2 at position vectors r1 vector and r2 vector with respect to origin. Let F21 vector, F12 vector be the internal forces acting on them, and small F1 vector and small F2 vector are external forces. On m1 and m2. Basically हम वही definition use करेंगे कि center of mass जो है वो straight line motion में जाएगा जब हम उस पर force लगाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ बना देते हैं। देखो इस particle पे मान लो F12 force लग रही है, gravitation के कारण जो लगती है ना, उसको internal force बोल देते हैं। ये F21 लग रही है इस पे, ये line joining है, ये line joining के along ही लगती है gravitation force। और दूसरी वाली जो forces है वो किसी भी direction में आप बना सकते हो। मान लो इस पे लग रही है F1 vector external force, और इस पे लग रही है कुछ F2 vector। तो इस पार्टिकल पे टोटल फोर्स इन दोनों का सम लगेगा, वेक्टर सम। इस पार्टिकल पे टोटल फोर्स इन दोनों का वेक्टर सम लगेगा। तो नाउ वी विल राइट द टोटल फोर्स ऑन ईच ऑफ द पार्टिकल, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ हमारे पास है कि भाई नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, अगर हम फोर पार्टिकल m1 लिखें, फोर मास m1, m1 देखो m1 मास, ये रहा m1 मास, उस पर टोटल फोर्स लग रही है f1 वेक्टर प्लस f12 वेक्टर। द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम। दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर द फर्स्ट पार्टिकल। सिमिलरली फॉर मास m2, अगर दूसरे के लिए लिखना चाहते हो तो दैट इज F2 वेक्टर, इस पे लग रही है जो, प्लस F21 वेक्टर इज इक्वल टू दूसरे का चेंज इन लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। दीज आर द टू इक्वेशंस। अब हमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए करना है, तो वी विल ऐड दीज टू इक्वेशंस, एडिंग वन एंड टू
जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये दोनों आपस में ऐड होके कैंसिल हो जाएंगी, वो हमें पता है क्यों कैंसिल हो जाएंगी। तो मैं पहले लिख देता हूँ, चलिए एफ वन वैक्टर प्लस एफ टू वैक्टर प्लस एफ वन टू प्लस एफ टू वन, ये सब इधर आ गई और इस तरफ हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ पी वन वैक्टर प्लस डी बाई डी टी ऑफ पी टू वेक्टर, ये इक्वेशन बन गई। अब ये दोनों को मैंने यहाँ पे काट दिया, यहाँ रीजन लिखेंगे बिकॉज एफ वन टू फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ टू वन, क्योंकि अब हम ना टोटल सिस्टम के लिए लिख रहे हैं, एक पार्टिकल के नहीं लिख रहे। वैसे अगर देखा जाए तो एफ वन टू इस पे लग रही है और एफ टू वन इस पे लग रही है ना, बट नाउ वी आर राइटिंग इट फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। दोनों को एक ही ऑब्जेक्ट मान लिया हमने, अगर हमने दोनों को एक ही ऑब्जेक्ट मान लिया और उस पर फिर ये दो फोर्सेस लग रही हैं जो इक्वल भी हैं और ऑपोजिट भी हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स इज ए म्यूचुअल फोर्स, तो इसलिए अगर ऐसा है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगी। और इन दोनों का सम हम लिख लेते हैं एफ टोटल, और इसको इस तरफ हम खोलेंगे, कैसे लिखेंगे, लेट अस राइट ऑन द नेक्स्ट शीट। तो देयर फोर वी गेट एफ वेक्टर, ये एक्सटर्नल वाली है, टोटल फोर्स दिस इज इक्वल टू एम वन टाइम्स डी वी वन बाई डी टी प्लस एम टू टाइम्स डी वी टू बाई डी टी। ये कैसे आया, ये ऐसे आया बिकॉज मोमेंटम इज एम वी वैक्टर, मास टाइम्स वेलोसिटी। तो मैंने क्या किया, वो पी वैक्टर था ना पी वन, उसका एम वन कॉमन ले लिया और बाकी इस तरह से हमने लिख लिया। अब इसको और ज्यादा खोल लेंगे हम, तो ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी टी और एम वन, डी बाई डी टी कॉमन आ जाएगा, बट पहले इसको ऐसे लिखेंगे। देखो v1, व्हाट इज v1, v1 वेक्टर इज डी आर वन बाई डी टी, मतलब दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर ना, ये भी हमें पता है फ्रॉम काइनामेटिक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, ये भी यहाँ पुट करेंगे। तो ये को एक तो d बाई डी टी पहले ही है यहाँ पे, दूसरा हमने v1 को ये पुट कर दिया यहाँ पे सिंपली, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों, ऐसे इसको भी लिख लो m2, एक तो d by dt पहले ही है, दूसरा v2 को भी हम लिख देंगे dr2 by dt। हम बस न्यूटन सेकेंड लॉ ही बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, पूरे सिस्टम के लिए। ओके, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे d स्क्वायर बन जाएगा m1 d स्क्वायर r1 by dt स्क्वायर प्लस m2 d स्क्वायर dt स्क्वायर, यहाँ आ गया r2 वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन आएगा डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम कॉमन आ गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं इसको। अंदर बचा एम वन आर वन वैक्टर प्लस एम टू आर टू वैक्टर, ये बचा और इधर बन गया एफ टोटल। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर थ्री, जो हमारे काम की है, जो हमें चाहिए। नाउ दिस इज वन इक्वेशन दैट वी हैव गॉट फ्रॉम द एनालिसिस। नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, देखो डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या बोलती है, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर हम उसके लिए लिखना चाहते हैं इक्वेशन, तो हम बोलते हैं कि भाई वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे बॉडी का सारा मास कॉन्सेंट्रेट करता है, टोटल मास, और उस पर अगर हम फोर्स लगाएं तो लीनियर मोशन प्रोड्यूस होगा। मतलब अगर हम उसके लिए लिखें तो उस पर जितनी भी टोटल फोर्स लगेगी, एफ टोटल will be total mass of the system times acceleration of center of mass। ये कैसे आई equation, देखो हमने क्या किया, ये दो bodies थी m1 m2, और हमने इसको अभी एक point से replace कर देना है, वो एक point जो है वो center of mass है, उसका total mass कितना है, उसका total mass इन दोनों के masses के sum के बराबर है, क्योंकि definition यही बोलती है, concept यही बोलता है कि where whole mass of the body is supposed to be concentrated, मतलब total mass आ गया। दूसरी चीज ये है कि अगर हम इस पे force लगाएं, कोई भी हमने force लगाई, आप totally लगाई, क्योंकि जो हम individual particles पे लगा रहे हैं उनका vector sum वही इस पे लगेगा, ये आपने लगाई तो ये accelerate होगा ना फिर, और वो accelerate होगा तो उसका जो acceleration होगा उसको हम यही लिखेंगे, acceleration of center of mass। तो ये जो हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में करते थे वही चीज है, हमने दो बॉडीज को एक बॉडी से रिप्लेस कर लिया, उसका मास m1 प्लस m2 है, उस पर हमने ये फोर्स लगाई टोटल फोर्स, तो ये उसका एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। चलिए अब इसको देखो और कैसे खोल सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो m1 प्लस m2, और ये जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो क्या है, वो है डी स्क्वेयर, मैंने कैपिटल R लिया था तो मैं कैपिटल R ले रहा हूं, कैपिटल R ऑफ सी एम बाई डी टी स्क्वेयर। ये तो हमारे पास एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही है ना, बिकॉज एक्सेलरेशन इज एक्चुअली द डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजिशन वैक्टर,
तो अगर हम सेंटर ऑफ मास के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं तो पोजिशन वेक्टर भी सेंटर ऑफ मास का ही आएगा। दिस इज अनदर रिलेशन फॉर टोटल फोर्स, ये भी टोटल फोर्स आ रही है, ये भी टोटल फोर्स आ रही है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर मास, सेंटर ऑफ मास से आई है। और ये हमने एनालिसिस में से देखा कि अगर हम दोनों फोर्सेस को ऐड कर दें तो ये इस तरह की इक्वेशन बन रही है। बस अब कुछ नहीं करना, दोनों ही तरफ आपके पास नेट फोर्स है जो सिस्टम पे लग रही है, इन दोनों को इक्वेट कर देना है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर फोर। तो फ्रॉम थ्री एंड फोर, फ्रॉम थ्री एंड फोर पीछे चले जाते हैं, ये इस तरफ हमारे पास आ गया ये सारी इक्वेशन। मैं उसको लेके जाऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये सारी इक्वेशन इसको मैं उधर ले जाता हूं। ये आ गई राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर थ्री, यहाँ डी टी है और इसको भी उठा लेते हैं यहां से। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर फोर। तो ये है राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर फोर, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो ये डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर तो है ना, ये कॉमन ही आ जाएगा, मासेस तो कांस्टेंट है, ये कट जाएगा यहां से, बाकी आपके पास फॉर्मूला बन गया बस। तो दिस इज आर सी एम विच इज पहले मास उसका पोजिशन वैक्टर प्लस दूसरा मास इन टू पोजिशन वैक्टर ऑफ दैट मास डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अब सिस्टम में दो ही पार्टिकल थे तो दो के लिए बना, बट अगर सिस्टम में n पार्टिकल्स होते, n मतलब 10, 12, 50 जितने भी ऐसे कोई नंबर ले लिया, 4n पार्टिकल सिस्टम, आप ये इक्वेशन कैसे लिखोगे? आप लिखोगे द सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम इज m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर एंड सो ऑन अप टू mn rn वेक्टर। ऐसे सबको ऐड कर देंगे, n तक चले जाएंगे ना, अगर तीन होगा तो n तीन तक चला जाएगा, चार पार्टिकल होंगे तो चार तक चला जाएगा और नीचे आएगा m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn। ठीक है, इसको और शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख लिया जाता है, ये समेशन का सिंबल होता है टाइम बचाने के लिए, mi ri वेक्टर ऐसे लिखा, ऊपर देखो i लगा दिया ना, अब 1 1 1 2 2 चलता रहेगा ये i1 से लेके n तक, और नीचे भी हमारे पास आ जाएगा समेशन ऑफ mi, वो भी i 1 टू n जितने भी पार्टिकल्स हैं। अब नीचे टोटल मास बन गया ना ये सिस्टम का, तो इसको आप कैपिटल M भी लिख सकते हो। तो ये इक्वेशन बन जाती है फिर 1 बाय m, वेयर कैपिटल M इज द टोटल मास ऑफ सिस्टम, 10 पार्टिकल है 10 का मास जोड़ दो वो कैपिटल M है। समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n एम आई आर आई वेक्टर। तो दिस इज द सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल सिस्टम, ये रिजल्ट है जो हमें डेरिवेशन करनी होती है। ठीक है, ये ना डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए अभी हमने निकाला, कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे हम बाद में। मान लो ये हमारे पास एक सिस्टम है, एक पार्टिकल यहां पड़ा हुआ है जेड एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस पे पड़ा हुआ है, एक पार्टिकल यहां पड़ा हुआ है ऑन एक्स एक्सिस और एक पड़ा हुआ है वाई एक्सिस पे। इजी कैलकुलेशन के लिए सारे ही मान लो 2 किलो के हैं, 2 kg के पार्टिकल्स हैं ये सारे। ठीक है, अब ये चाहे आपस में कनेक्टेड हैं चाहे नहीं कनेक्टेड, फिर भी एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे हम मान सकते हैं कि इन तीनों का सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। ठीक है, ऐसा एक पॉइंट होगा। चलिए, अगर ये तीनों पार्टिकल मूव करेंगे ना तो सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा, वो हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी करेंगे आने वाले टाइम पे। अभी के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये फिक्स्ड है अपनी जगह पे, इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, जैसे ये एक्स कोऑर्डिनेट है इसका गिवन 3, 0, 0, जो कि x कोऑर्डिनेट ही गिवन होगा ना, 3 मीटर पे है दूरी पे, और ये हो गया 0, 3, 0, ये भी 3 मीटर की दूरी पर है फ्रॉम ओरिजिन, और ये वाला भी 3 मीटर की दूरी पर ही है। ठीक है, तो ये 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब आपको क्या करना है, इसकी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, तीनों मासेस मुझे पता है, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 इज 2, सब जगह ये पुट कर देंगे। पोजीशन वेक्टर अलग अलग होंगे, R1 मतलब इसका पोजीशन वेक्टर, ये पहले यहां लेबलिंग कर लेना कि मैंने किसको M1 किसको M2 किसको M3 मानना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले आप लिख लो कि ये पार्टिकल मैंने ऐसे मानने हैं, क्योंकि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही फिर आपने R1 निकालना है। अब R1 वेक्टर हो गया, ये पोजीशन वेक्टर भी तो ड्रॉ करना है ना, तो ये हो गया 3i कैप, बाकी दोनों कोऑर्डिनेट 0 हैं, 3i कैप। ऐसे ही R2 वेक्टर हो गया हमारे पास ये वाला, ये हो गया 3j कैप।
ऐसे ही हमारे पास आर थ्री वैक्टर हो गया ये वाला, ये हो गया थ्री के का, तीनों मिल गए मुझे, तो आर सी एम आ गया, बस वैल्यूज पुट कर दो। तो एम वन टाइम्स आर वन मतलब सिक्स आई कैप, टू इंटू थ्री करोगे, प्लस एम टू टाइम्स आर टू सिक्स जे कैप, प्लस एम थ्री टाइम्स आर टू आर थ्री सिक्स के कैप अपॉन टोटल मास। व्हाट इज टोटल मास? टू प्लस टू प्लस टू सिक्स। तो आंसर इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप मीटर्स। सेंटर ऑफ मास मास नहीं होता, सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होता है, उसकी लोकेशन होती है, ठीक है। तो ये याद रखना, सेंटर ऑफ मास लिखा हो, कोई पूछ ले व्हाट इज एसए यूनिट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो आप किलोग्राम मत लिख देना, ये मास नहीं है, ये एक पॉइंट है जहां पे हमें एक इस तरह का पॉइंट है, अगर वहां पे हम फोर्स लगाएं किसी बाउंड सिस्टम के लिए तो वो पूरा सिस्टम स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो सच पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। एक और एग्जांपल करते हैं, देखिए हमारे पास इस तरह से चार पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल नंबर वन, तो लेट अस सपोज वी हैव फोर मासेस लाइक दिस प्लेस एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वेयर, स्क्वेयर मान लेते हैं इसको, ठीक है। दिस साइड इज टू मीटर एंड दिस साइड इज ऑल्सो टू मीटर, यहां पर इनके मासिस है थ्री किलोग्राम, टू किलोग्राम, वन किलोग्राम एंड वन किलोग्राम, ठीक है। दीज आर द मासिस। नाउ वी हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास अरेंजमेंट, ये लाइन ज्वाइनिंग है, ठीक है। ओके, तो कैसे फाइंड करते हैं सेंटर ऑफ मास, हमें क्या चाहिए होता है, हमें हर किसी मास का पोजीशन वेक्टर चाहिए होता है और हर किसी मास की वैल्यू चाहिए होती है। तो पहले हम ऐसे असाइन कर लेते हैं कि ये मास m1 है, ये m2 है, ये वाला m3 है और दिस इज मास m4। इस तरह से आप कहीं पर भी जैसे मर्जी आप मान सकते हैं। फिर अब इनके पोजीशन वैक्टर्स होंगे, जैसे ये m1 है, इसका पोजीशन वैक्टर r1 वैक्टर होगा, तो हम इस मास को ना ओरिजिन पे मान लेते हैं। जब इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इन सब में से कोई एक मास आप ओरिजिन पे मान सकते हो, जैसे यहाँ ओरिजिन मान लो, चाहे यहाँ मान लो, चाहे यहाँ मान लो, बट हम जनरली ऐसे बनाते हैं एक्स एक्सिस ना, ऐसे चलता है एक्स एक्सिस और ऐसे चलता है वाई एक्सिस, तो इसलिए मैंने ओरिजिन यहाँ पे मान लिया, ठीक है। अब इस ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू हम चारों पोजिशन वैक्टर लिख लेंगे और उन चारों पोजिशन वैक्टर्स को और मासेस को यूज करके वी कैन फाइंड सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो टू फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, of this arrangement m1 is 1 kg corresponding to this r1 vector, है ना। अब देखो ये तो ओरिजिन पे ही पड़ा हुआ है जो m1 मास है, ओरिजिन पे जब कोई पार्टिकल पड़ा होता है तो उसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, तो अगर कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, ये यहां लिख देता हूं मैं 0 0, तो फिर उसका पोजीशन वेक्टर भी 0 वेक्टर होगा, तो ये जीरो वेक्टर या नल वेक्टर होगा। ऐसे ही m2 मास की वैल्यू, m2 इज ऑल्सो 1 किलोग्राम, और यहां इसका पोजीशन वेक्टर ये ओरिजिन से हम ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, ये इसका पोजीशन वेक्टर बन गया, ठीक है। ये r1, ये r2 वेक्टर हो गया, क्योंकि m2 बोल रहे हो ना उसको, तो r2 वेक्टर इज, देखो ये इस तरफ है x एक्सिस की तरफ और इसकी लेंथ है 2 मीटर, तो इट इज 2 i कैप। तो इस तरह से आपने वेक्टर बना लिया। नेक्स्ट आपके पास है m3 मास, m3 का भी पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं ये वाला। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? आप बार बार ड्रॉ नहीं भी करोगे तो काम चलेगा, बट हमें कोऑर्डिनेट्स का ध्यान रखना है। इसके कोऑर्डिनेट्स 2,2 है, है ना, 2 मीटर इधर चले गए, हम 2 मीटर ऊपर चले गए, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स 2,2 है। तो m3 मास इज 2 किलोग्राम एंड r3 वेक्टर इज 2i कैप, ऐसे x कोऑर्डिनेट इनटू i कैप प्लस y कोऑर्डिनेट इनटू j कैप। इसी तरह से m4 मास जो है दैट इज 3 किलोग्राम एंड r4 वेक्टर इज 2j कैप, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है 2j कैप। ऐसे आप ड्रॉ करके आप देख सकते हो, बट हर बार जरूरी नहीं है, इसके कोऑर्डिनेट 0,2 आपको पता होने चाहिए, तो 0i कैप प्लस 2j कैप। नाउ वी विल फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड वी हैव द फॉर्मूला
तो पहले आ गया 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2i कैप प्लस 2 इंटू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 इंटू 2j कैप अपॉन टोटल मास. टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 प्लस 3 7. तो ये तो खत्म होगी, ये बचा 2i कैप. यहां से हमारे पास आ गया 2i कैप प्लस 4i कैप, ये दो टर्म्स आ गई है ना, मतलब 6i कैप ये आ गया प्लस j कैपिटल टर्म 4 ये बना और 6 ये बना. 4 प्लस 6 10 डिवाइड बाय 7, तो ये बन गया 6 बाय 7 i कैप प्लस 10 बाय 7 j कैप. मतलब जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x कोऑर्डिनेट 6 बाय 7 और y कोऑर्डिनेट 10 बाय 7. ठीक है, तो 6 बाय 7 कुछ 1 से छोटा आएगा, मतलब x कोऑर्डिनेट अगर यहां तक देख लो, यहां तक 1 मीटर है ना, तो 6 बाय 7 1 से थोड़ा छोटा आएगा. तो x कोऑर्डिनेट यहां लगा दिया मैंने, यहां पे लगा देते हैं x कोऑर्डिनेट. थोड़ा सा ऐसे अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, 10 बाय 7 10 बाय 7 1 से बड़ा है, थोड़ा सा 2 भी नहीं है, बट y कोऑर्डिनेट जो है वो इधर लगाएंगे यहां y एक्सिस पे, तो दैट इज ग्रेटर देन 1. टोटल 2 मीटर है ना, तो मिड पॉइंट तक तो 1 आ जाएगा, यहां तक 1 मीटर हो जाएगा, इससे थोड़ा सा बड़ा, ऐसे अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं. तो ऐसे अगर हम इसको कर दें लाइक दिस, ऐसे मिला दें दोनों को, रुको, इधर से एक लाइन यहां लगा दें और इधर से एक लाइन यहां लगा दें, ऐसे समझने के लिए. आपने पेपर में नहीं ये लोकेट करके दिखाना, आपने जैसे यहां तक छोड़ देना है, इसको मीटर्स में आंसर होगा. तो यहां पर इस सिस्टम का कहीं पे सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, मतलब अगर ये बाउंड कर देना, हम इनको मासलेस रोड्स है मान लो, ये मासलेस रोड्स मतलब वेरी लाइट रोड्स है, उनसे हमने इसको बाउंड कर दिया, तो अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे ना, तो ये सारा सिस्टम इकट्ठा मूव करेगा, चारों के चारों पार्टिकल इकट्ठे जाएंगे. मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई पार्टिकल घूम रहा है या कुछ और हो रहा है, सारे इकट्ठे ही एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे. तो इस तरह से सेंटर ऑफ मास बच्चों फाइंड किया जाता है. ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं. हाँ जी, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. इस तरह से ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल के वर्टिसेस पे मासेस पड़े हुए हैं, एंड वी हैव टू लोकेट द सेंटर ऑफ मास. फिर वैसे ही करेंगे हम, सबसे पहले कहीं पे ओरिजिन मान लेंगे, जहां पे आपको ठीक लगता है वहां आप मान सकते हो, उस ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास आंसर आ जाएगा. तो लेट अस सपोज यहां मैंने ओरिजिन मान लिया ओ, इधर हमने मान लिया एक्स एक्सिस और इस डायरेक्शन में हमने मान लिया वाई एक्सिस. अब इसी ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू हम बताने वाले हैं वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम. ओके, तो कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं. इसका कोऑर्डिनेट 0,0, दिस इज m1, तो m1 इज इक्वल टू 2m, एंड r1 वेक्टर अगर आपने लिखना है तो 0i कैप प्लस 0j कैप. ये दूसरा मास है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a,0, है ना, क्योंकि x एक्सिस पे जा रहे हैं हम, a दूरी पर है, और इसका अगर आपने वेक्टर लिखना है r2 वेक्टर, तो दैट विल बी ai कैप. तो हमें साफ साफ पता चल रहा है. एंड लेट अस सपोज दिस इज मास m2, m2 r2 ऐसे सेम लिखने हैं. ये बड़ी गलती हो जाती है कभी कभी कि m2 इसको बोल देते हैं, r2 इसका वेक्टर लिख देते हैं बच्चे जब सब्स्टिट्यूट करते हैं. पुट करते टाइम इस चीज का ध्यान रखना, ये जो मास है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जैसे आपको पता है 60 डिग्री एंगल होगा, तो ये आपको कोऑर्डिनेट चाहिए. यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी. अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ए बाय टू होगा, वो मुझे ऑलरेडी पता है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिरेगा ही नीचे वाली साइड पे. तो एक्स कोऑर्डिनेट इज ए बाय टू. वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर जो है दैट विल बी वाई कोऑर्डिनेट ना, ये जहां पे ये कट कर रहा है दिस इज एक्चुअली वाई कोऑर्डिनेट, कि ये कितना है. तो वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन 60, वो हमें पता है. तो परपेंडिकुलर निकालना है तो दैट इज हाइपोटेन्यूज टाइम्स साइन 60, सीधा ही ना, बिकॉज यू वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस साइड विच इज परपेंडिकुलर, एंड दिस परपेंडिकुलर इज हाइपोटेन्यूज, मतलब ए टाइम्स, उसको मल्टीप्लाई करना है साइन 60 के साथ. तो साइन 60 इज रूट 3 बाय 2, तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए ए बाय 2 कॉमा रूट 3 बाय 2, ये मिल गए. तो अगर दिस इज एम थ्री मास, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर थ्री वैक्टर मैं यहाँ ही लिख देता हूँ, जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं आर थ्री वैक्टर. वो बन गया ए बाय 2 आई कैप प्लस रूट 3 बाय 2 ए, यहाँ ए भी आना है, ये ए भी था जे का. तो ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हमें, ये तीनों पोजिशन वेक्टर्स मिल गए, तीनों मासेस मिल गए. बस कोऑर्डिनेट्स अगर आपने सही लिख लिए तो काम हो गया. ठीक है, तो पहला वाले टर्म तो जीरो हो जाएगी, ये नल वेक्टर बन रहा है इसका, तो लिख देता हूँ चलो या जीरो रहने देते हैं. प्लस सेकेंड वाली टर्म m2 टाइम्स r2, m2 इज 2m
एंड आर टू इज ए आई क्या, तो एक टर्म ये बन गई, और तीसरी टर्म इज एम थ्री टाइम्स आर थ्री वैक्टर, एम थ्री इज थ्री एम टाइम्स आर थ्री वैक्टर, आर थ्री इज ए बाय टू आई कैप प्लस रूट थ्री बाय टू ए जे कैप। इस सारी टर्म को आपने डिवाइड करना है टोटल मास ऑफ सिस्टम से, टोटल मास इज टू एम प्लस टू एम प्लस थ्री एम विच इज सेवन एम। तो ये बन गया जी, m कॉमन ले लिया मैंने ऊपर से, टू ए आई कैप प्लस ए बाय टू आई कैप, इन दोनों को हमें ऐड करना है, ए बाय टू भी नहीं है, थ्री ए बाय टू है, ये थ्री अंदर मल्टीप्लाई हुआ, थ्री ए बाय टू आई कैप प्लस थ्री रूट थ्री बाय टू इंटू ए जे कैप। ये m कॉमन ले लिया था मैंने, सेवन एम, तो m सेम कट जाएगा यहाँ पे आंसर में। अब ये आ गया 2a ए प्लस थ्री ए बाई टू, एलसीएम गया 4, तो इट इज एलसीएम गया 2, तो इट इज 7a बाय 2, 7a बाय 2 आई कैप, है ना। यहाँ से ये टर्म आएगी जब आप एलसीएम ले लोगे, प्लस 3 रूट 3 बाय 2 इंटू ए इंटू जे कैप डिवाइड बाय 7, तो एक 7 इसके नीचे लगाना है, किसके नीचे लगाना है, तो वो कट जाएगा, ए बाय टू आई कैप हो जाएगा प्लस इसके नीचे जब लिखेंगे डिनोमिनेटर में तो 3/14, 3/14 का फैक्टर बनेगा अंडर रूट 3 ए जे का। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब एक्स एक्सिस पर वो ए बाय टू की दूरी पर है, वो तो है ही ऑब्वियस, इस तरफ देखो सिमेट्रिकली पड़े हुए, ये भी 2m ये भी 2m, तो सेंटर ऑफ मास मिड में आता है, ठीक है। और वाई एक्सिस पर ये कोऑर्डिनेट निकलेगा, इसको आप कैलकुलेट कर लो, वहां पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास लोकेट कर रहा है। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास ना 3m के पास होगा। पिछला क्वेश्चन देखो आप, पिछले क्वेश्चन में भी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, मतलब ये 3kg 2kg वाले हैवी मासेज ऊपर लगे हुए हैं, 1kg लाइट मासेज नीचे लगे हुए हैं, तो लाइट से अवे हो जाता है सेंटर ऑफ मास और हैवी मासेज के पास चला जाता है। तो सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज लाइज नियर टू द हैवियर मास। अगर मान लो दो ही मासेज हैं आपके पास, एक है 10 किलोग्राम और एक है 2 किलोग्राम, और आपको पूछा जाए सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, तो आप बोलोगे 10 किलोग्राम के पास लाई करेगा। ये सबसे पहले पता चल जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसका हम एनालिसिस भी कर सकते हैं, छोटा सा कर लेते हैं, सेंटर ऑफ मास लाइज नियर द हैवियर मास, ठीक है। तो ये एक दो चीजें करते हैं पहले, फिर इसकी प्रॉपर्टीज कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और करते हैं छोटी सी, वो है कि भाई प्रूव दैट सेंटर ऑफ मास always shifts towards the larger mass, बड़े मास की तरफ होता है, ठीक है। इसको एक और तरीके से स्टेट किया जा सकता है, और SCOM divides line joining the masses into inverse ratio of mass, हाँ जी। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब है, लेट अस सपोज आपके पास दो मासेस हैं, एक है m1 एक है m2, एंड दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द मासेस। तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो हैवी मास के पास होगा। अगर m1 मास m2 से बड़ा है तो सेंटर ऑफ मास विल लाई नियर टू द हैवियर मास। एक तो ये ऐसे है, दूसरा है कि अगर हम यहाँ पे डिस्टेंसेस बना दें, ये डिस्टेंस मान लो r1 है और ये डिस्टेंस r2 है, तो दूसरी चीज हमें प्रूव करनी है कि भाई जो m1 by m2 होगा दैट विल बी r2 by r1, कि लाइन ज्वाइनिंग द मासेस को इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस में डिवाइड करती है। इसका मतलब है कि m1 हैवी है ना, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग r1 छोटा होगा, और m2 छोटा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग r2 बड़ा होगा। तो ये दूसरी चीज हमें प्रूव करनी है, तो बहुत इजी है, इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हम मान लेते हैं यहां पे कि इन द गिवन डायग्राम, ये डायग्राम हमने बनाया है, इन द अरेंजमेंट शोन COM lies एट ओरिजिन, हमने ओरिजिन पे उसको फिक्स कर लिया कि वो ओरिजिन पे है। ये मासेस कैसे भी पड़े हो सकते हैं, मतलब ये ओरिजिन ही है हमारा,
एक मास इस तरफ पड़ा हुआ है लेफ्ट साइड पे ओरिजिन के, एक पड़ा राइट साइड के, और COM जो है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है। इसका मतलब कि फिर पोजीशन वेक्टर जो होगा सेंटर ऑफ मास का वो जीरो होगा। इसका मतलब कि भाई फिर M1 प्लस M1 R1 प्लस M2 R2 वेक्टर अपॉन दिस फॉर्मूला इज इक्वल टू जीरो, है ना, ये पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला है। तो यहां से आ गया M1 R1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस M2 R2 वेक्टर, ना। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। माइनस साइन क्या बताते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। माइनस साइन यहाँ पे हमें बताता है कि R1 वेक्टर ओरिजिन से अगर आप इस तरफ ड्रॉ करोगे राइट वाली साइड पर, अगर आपने R2 या R1 ड्रॉ किया तो दूसरा वेक्टर उसका ऑपोजिट वेक्टर होगा। मतलब अगर ये R2 वेक्टर है राइट साइड पे तो R1 वेक्टर विल बी ऑपोजिट टू R2, ठीक है। तो यहां से हमें पता चलता है द COM लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, एक ये चीज पहले पता चल रही है, लाइन ज्वाइनिंग द मासेस। अगर ये भी आपको प्रूफ करने के लिए पूछ ले कि भाई सेंटर ऑफ मास लाइन ज्वाइनिंग पे लाई करता है तो आपने यही चीज करनी है। अब हम इनके मैग्नीट्यूड्स ले लेते हैं, ये माइनस है इंटरेक्शन के लिए है। तो अगर आप इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, डिस्टेंसिस ले लो, डायरेक्शन छोड़ दो, तो M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2 हो जाएगा। और यहां से आ जाएगा M1 बाय M2 इज इक्वल टू R2 बाय R1, तो वो इनवर्स रेशो में डिवाइड कर देता है। तो सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवियर साइड पे होता है, इसका याद रखना। इसकी एक फिजिकल एग्जांपल भी आपको बताते हैं। देखो, अगर आपके पास एक डंबल है, डंबल आपको पता है ना, वो जो जिम में होते हैं, अगर आप एक साइड पे सिर्फ 1 kg या 2 kg रखो और दूसरी साइड पे आप रख दो बहुत ज्यादा मास, मान लो आपने रख दिया 20 kg, और आपने किसी तरीके से डंबल को उठाया और उठा के घुमा के फेंका, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने उठाया इसको, जैसे घुमा के नहीं फेंकते हम किसी रोड को, ये घूमती 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 कहीं पे जाएगी, तो ये छोटा वाला मास इस बड़े वाले मास के अराउंड घूमेगा। बेसिकली ये दोनों मासेस अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूमते हैं। आगे हम जब चलेंगे तो हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे, बट यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है वो कहाँ लाई कर रहा है, वो यहाँ होगा, दैट विल बी नियर टू द लार्जर मास। तो हमें ऐसा लगेगा कि ये छोटा वाला मास बड़े वाले मास के अराउंड घूमता है। और ऐसा ही हमारे पास प्लैनेट सोलर सिस्टम में भी होता है। प्लैनेट्स के लिए जो सन है दैट इज द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट, है ना, एक स्टार है इन द सोलर सिस्टम। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं दे आर वेरी लाइट एज कम्पेयर टू सन। तो एक्चुअली ये अर्थ जो है हमारी, ये सन और अर्थ का जो सेंटर ऑफ मास है उसके अराउंड घूमती है। सन भी घूमता है बट बोथ ऑफ देम रोटेट अराउंड देयर सेंटर ऑफ मास, बट सेंटर ऑफ मास लाइज नियर टू द सन क्योंकि सन हैवियर है। तो जितना हैवियर ऑब्जेक्ट होता है उसके अबाव उसके नियर सेंटर ऑफ मास होगा उतना ही पास होगा और उसके पास होगा, और जो लाइट वाला ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा उसके अराउंड घूमेगा। अगर उनमें कोई फोर्स है, सेंट्रल फोर्स जैसे यहाँ पे लग रही है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके कारण ये घूम रही है हमारी अर्थ। तो ये कॉन्सेप्ट भी दिमाग में रखना है। ओके, अब हम ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने के लिए थोड़े से पॉइंट्स लिखते हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जा सकते हैं। तो सम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सेंटर ऑफ मास। नंबर वन, फॉर ए होमोजेनियस सिमेट्रिकल बॉडी COM लाइज एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। होमोजीनियस बॉडी का मतलब क्या हुआ? होमोजीनियस मतलब हैविंग यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। होमोजीनियस का मतलब जिसकी डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम हो सकती है, अगर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, या मास अपॉन एरिया हो सकता है, ठीक है, ये इसको हम सिग्मा से डिनोट कर देते हैं, या लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा से डिनोट कर देते हैं, मास पर यूनिट लेंथ। अगर कोई धागा है तो उसके इसमें मास पर यूनिट लेंथ डिफाइन करेंगे, अगर कोई शीट है मास की जैसे मेटल की कोई प्लेट है तो उसके इसमें ये सरफेस मास डेंसिटी होती है, और अगर कोई आपके पास 3D ऑब्जेक्ट है जैसे कोई बॉल हो सकती है तो ये होता है। तो होमोजीनियस बॉडी के लिए ये सब वैल्यूज जो है कांस्टेंट होती है, मतलब मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। होमोजीनियस का मतलब है कि भाई मास
और पार्टिकल्स मास पार्टिकल्स इन द बॉडी आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब भी आप समझ गए हो कि भाई कहीं से भी बॉडी हैवी या हल्की नहीं है. मतलब ये जो मेटल शीट है वो एक ही तरह की मेटल है, मोटी पतली नहीं है ये शीट, हर जगह से इसकी थिकनेस भी सेम है, एवरीथिंग इज सेम. तो सच काइंड ऑफ बॉडी इज कॉल्ड होमोजीनियस बॉडी. तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा. ये हम कॉन्टिन्यूस बॉडी के अभी रोड का और सफियर का सिलेंडर का इन सब चीजों के हम सेंटर ऑफ मास लिखेंगे अभी आने वाले टाइम में. लेकिन अभी जब मैं करवाऊंगा आपको सेंटर ऑफ मास ड्यू टू कॉन्टिन्यूस बॉडीज तब मैं आपको सारे लिखवाऊंगा और कुछ हम ड्राइव भी करेंगे. चलिए नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, द सेंटर ऑफ मास हाँ सेकंड पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास मे लाई आउटसाइड और इनसाइड ए बॉडी. ठीक है, अब आउटसाइड बॉडी का क्या मतलब हुआ? देखो आपके पास मान लो मेटल का इस तरह का एक फ्रेम है, ये मेटल की एक स्ट्रिप है, मेटल है ये, शीट है छोटी सी, बट उसकी शेप ऐसी है. अब इस केस में एक साइड नहीं है इसकी ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पे हो सकता है इस हवा में. रिंग है आपके पास, इस तरह की रिंग देखी है आपने, रिंग तो सबने देखी होती है, इस तरह की एक रिंग है लाइक दिस, थोड़ी सी उसकी थिकनेस है और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ हवा में लाई करता है जहां उसका एक्चुअली ज्योमेट्रिकल सेंटर है. लेकिन अगर आपके पास डिस्क है, डिस्क मतलब जैसे प्लेट होता है, शीट होती है, उसका सेंटर ऑफ मास उस बॉडी के अंदर होगा. तो ये अंदर और बाहर कहीं पर भी लाई कर सकता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा उस बॉडी के अंदर ही होगा जहां पे मास होता है, ऐसा नहीं जरूरी. ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है. तीसरा पॉइंट, एसआई यूनिट अगर आपको पूछ लिया जाए तो ये एसआई यूनिट इज मीटर्स, बिकॉज इट इज जस्ट ए लोकेशन, जस्ट ए पोजिशन ऑफ COM, सेंटर ऑफ मास. जब हम बोलते हैं तो मतलब हम लोकेशन को फाइंड कर रहे हैं. ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का मास कितना होता है? फिर सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है, उस पॉइंट का मास कितना होता है? उस पॉइंट का मास टोटल मास ऑफ द बॉडी के बराबर होता है या टोटल मास ऑफ द सिस्टम के बराबर होता है, ये भी आप याद रखेंगे.